नमस्कार, मैं शोम इंडियन हेयर ऑयल से। हाँ, जो आप देख रहे हो ना वो बिल्कुल सच है, हम दोनों ट्विंस हैं और आज हम आपके लिए एक साथ आए हैं दो नया हेयर पैच लेके। मैं पहनने वाला गोल्डन का ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच और ये पहनने वाला है पॉलीफ्यूज का हेयर पैच। तो ये एक कंपैरिजन है कि दोनों में से कौन सा पैच बेटर है। तो चलिए देख लेते कि हमारा लुक कैसा आता है और दोनों में से कौन सा पैच बेटर है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और हम दोनों का जो लुक है वो थोड़ा सा पफी वाला हेयर स्टाइल में हम लोग रखे हैं। तो कोई भी यंगस्टर को ऐसा लुक चाहिए तो वो हमारे पास बिल्कुल आ सकता है, और किसी को अगर शॉर्ट लुक भी चाहिए तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। ये पूरा कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैसा लुक चाहिए। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि मैंने आज एक गोल्डन का ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच पहना है और इसने आज एक पॉलीफ्यूज पहना है। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा हेयर पैच बेटर है। तो जैसे कि मैंने ऑस्ट्रेलियन पहना है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच एक बहुत ही बढ़िया हेयर पैच है। अगर आप ये हमारा जो वेदर है, इंडिया का जो वेदर है, ये काफी गर्मी वाला वेदर है, तो इसमें अगर आपको कोई भी फ्रंटलेस पैच चाहिए जो आपका कम से कम 20 से 25 दिन का होल्ड दे, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच जो आप देख सकते हो जो आज मैंने पहना हुआ है। तो इसमें आपका हेयर लाइन भी काफी अच्छा आता है और इसका लुक काफी अच्छा आता है और हेयर क्वालिटी भी काफी अच्छा होता है। तो जिनको थोड़ा ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए, लुक भी अच्छा चाहिए एकदम नेचुरल वाला, तो वो गोल्डन का ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच पहन सकता है। तो मेरे भाई अब बोलेगा आपको कि इसको कैसा लग रहा है आज एक पॉलीफ्यूज हेयर पैच पहन के। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने पॉलीफ्यूज पैच पहन लिया आज। तो मैंने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में पहना था एक बार, तो मैं आपको जो डिफरेंस है वो बताने जा रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पॉलीफ्यूज पैच थोड़ा ज़्यादा लाइट है ऑस्ट्रेलियन पैच से, लेकिन इसमें काफ़ी हेयरफॉल भी होता है। अगर आपका बजट परमिट करता है कि आप 4-5 महीने में पैच चेंज कर पाओगे तो आप बिल्कुल पॉलीफ्यूज पैच के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट ऐसा है कि आप हर एक साल या फिर 1.5 साल के ही पैच का ड्यूरेबिलिटी रखना चाहोगे तो आपको ऑस्ट्रेलियन पैच के लिए ही जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो दोनों का लुक काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन पॉलीफ्यूज का लॉन्जिविटी काफ़ी लेस है, ऑस्ट्रेलिया का लॉन्जिविटी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपका सिंपल टर्म में अगर मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपका बजट है, अगर आप 4-5 महीने में अफोर्ड कर पाओगे तो आप पॉलीफ्यूज पैच के लिए जाओ, और एल्स मैं तो बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया पैच के लिए जाना ही बेस्ट है। बिकॉज सबका बजट परमिट नहीं करता आप 4-5 महीने में पैच चेंज करें। देखिए ऑस्ट्रेलियन पैच हमारा जो वेदर है उसके हिसाब से बेस्ट पैच है मैं तो कहूँगा। आप कोई भी पैच पकड़ लो उसमें आपको ऑस्ट्रेलियन जैसा लुक शायद ही मिलेगा। और जो एक ऐसा पैच जो फ्रंटलाइन पैच भी बोला जाता है और जो आपको ऑलमोस्ट एक मंथ का सर्विस देता है, मतलब आप हर एक महीने में सर्विस ले सकते हो। तो ऑस्ट्रेलियन पैच तो काफ़ी अच्छा पैच है, पर अगर आपको और भी हल्का पैच चाहिए तो आप पॉलीफ्यूज के लिए जा सकते हो। इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। तो दोनों पैच काफ़ी अच्छा है, पर ऑस्ट्रेलियन पैच थोड़ा सा आगे है बिकॉज ये जो वेदर है हमारे इंडिया का इसके लिए ये बेस्ट पैच है। और एक और बात, पॉलीफ्यूज में आपको वेंटिलेशन थोड़ा कम होता है, ऑस्ट्रेलियन पैच में वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो आप दोनों पैच के लिए जा सकते हो। पॉलीफ्यूज थोड़ा ज़्यादा हाई रेट
का आता है, ऑस्ट्रेलियन बैच आपको थोड़ा कम रेट में मिल जाएगा, लेकिन पॉलीफ्यूज का लुक और उसका जो वेट है वो काफी हल्का है। मैं कुछ फील ही नहीं कर पा रहा हूँ, लाइक मैंने कुछ पहन के रखा है, ऑस्ट्रेलियन पहनों में भी आपको थोड़ा हल्का फील होता है, लेकिन पॉलीफ्यूज पहनने के बाद कुछ फील नहीं होता, बिल्कुल पॉलीफ्यूज काफी हल्का है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पहना हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पैच आप पहनोगे तो आपको हाँ थोड़ा सा फील होगा कि आपने कुछ पहना हुआ है, लेकिन दोनों पैच काफी अच्छा है। तो अगर आपको हमारा दोनों का लुक अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर आपको भी ऐसा लुक चाहिए तो आप हमारे पास आ सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि शॉर्ट लुक भी आपको मिल सकता है, ये पूरा कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच हमारे ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहे। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको भी किसी वीडियो के कोई पैच के ऊपर रिकमेंडेशन है कि उसके ऊपर हम वीडियो करें तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो करेंगे। थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए।